बड़ा गजब खेल हो रहा है, राजनीति भी गुरु बड़ी गजब चीज है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर के बीना की, जहां कांग्रेस से विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन एक दो घंटे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा की सारी पोस्टें हटा ली और डीपी भी हटा ली। बीना में हल्ला हो गया, खबरें चलने लगी कि बीना विधायक वापस कांग्रेस में जा रही हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर अब उन्होंने फिर से वही भाजपा वाली पोस्टें शेयर कर दी हैं। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। लगा कि कोई ऊपर से मोबाइल वगैरह आया होगा तो निर्मला सप्रे फिर भाजपा में बनी रहेंगी, ऐसे खबर है। हालांकि उन्होंने अभी तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, वो अभी भी कांग्रेस से विधायक है। लेकिन जिस अंदाज में बीना की जनता उनसे खापा है, तब सरकार कई प्रकार की विकास की भयंकर योजनाओं की घोषणा बीना में कर सकती है, बीना को जिला बनाने की भी घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी खबर है कि फिलहाल जो भाजपा की पोस्ट निर्मला सप्रे जी ने डिलीट की थी, उन्हें फिर से डाल दिया है। शायद कोई बड़ा आश्वासन उन्हें मिल गया होगा। सुनने में तो यही लग रहा है कि निर्मला ने कुछ मांगे रखी थी जिनको भाजपा ने अनदेखा कर दिया, उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया होगा और भाजपा की सभी पोस्ट सोशल मीडिया से अलग कर दी। फिर उनके पास भाजपा का फोन आया होगा कि भाई सभी मांगे पूरी कर दी गई हैं, उसके बाद वो भाजपा की लाइन पर आ गई। सूत्रों के हवाले से यही खबर। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना।